ये कौन सा कबूतर लेके आया? ये अभी हमने भाई को बच्चे दिए थे उड़ाने के लिए। अच्छा, तो उसका बच्चा वापस आया तो मैंने ही चलो इसका शोक कराया आपको। ये देखें दोस्तों, खड़ान देख लें आप लोग, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खड़ान का ये कबूतर है दोस्तों। बच्चा है सत्तार भाई के इधर के, झांसी वालों। अच्छा अच्छा, सत्तार भाई झांसी वालों के। अच्छा, ये पूरा जोड़ ही है उनका? नहीं, नर आया था, मादी अपन ने लगा दी थी। अच्छा, बच्चे बहुत अच्छे उड़ाते हैं, बच्चे अभी निकले। अच्छा, बच्चे अभी निकले, आने वाले, सबसे पुराने वाले। अच्छा अच्छा, उसी के बच्चे हैं। ये देखें, और मतलब अभी तक ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये देखें दोस्तों, ये दोनों बच्चे निकाल लिए इन्होंने। ये अपन ने जो गर्दा कबूतर था ना, उसके बच्चे हैं। अच्छा, ये जो अभी बच्चा हमारा लौट के आया है, ये उसकी माँ है और अंडों में बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, जो अपना 10 से 15 किलोमीटर दूरी से लौट के आ गया। हाँ, दे दिया था उड़ाने के लिए। इस जोड़े का है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों। ये हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका होस्ट यारिश कादरी। दोस्तों, आज आप लोगों को कराने वाले हैं विशाल यादव के घर की बच्चों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। और ये सारे ब्रीडर कबूतर हैं बाहर खुले हुए, सबसे पहले इनसे बोलेंगे आप लोग जाइए अंदर। और ये जाएंगे, ये जाने लगे दोस्तों अंदर को कबूतर। और ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, और विशाल भाई से भी मिलेंगे अंदर ही। ये सारे जाते हुए कबूतर अंदर, मैं बोल रहा हूँ चलिए भाई आप लोग अंदर, ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह। ये देखें दोस्तों, और ये एक जंगली था बच्चा। और ये दोस्तों विशाल भाई, और विशाल भाई नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। और आप आज दिखाने वाले हैं बच्चों की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। जी दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैंने गेट भी लगा दिया है दोस्तों, तो ये देखें। और अच्छा, सारे नस्लों के अपने जो कबूतर हैं वो यहीं पर रहते हैं, रहे और सब ये बच्चे पाल रहे हैं। अच्छा, बच्चे पाल रहे हैं बल्द में, जो अभी आपको शोक कराए उनके। अच्छा, गोल्डन बैठे हैं बच्चों पे। जी जी जी। अच्छा, ये जो लगे हैं, ये लगे क्यों हैं? किस, ये जैसे ये लगा हुआ है? हाँ, खान खाली है। अच्छा, खाली है ये, खाली ये देखें है दोस्तों आप लोग, जिनका खान हटा देते हैं खाली हो जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इनकी जोड़ काटते हैं, ये बच्चे निकले हुए हैं इनकी पनी के। जी जी, ये छोटे छोटे पट्टे हैं। हाँ, और सबसे पहले इस तरफ से दोस्तों करते हैं आप लोगों को शौक कराते हैं। यहाँ पर दोस्तों अंडे हैच होने वाले हैं, दो अंडे हैं दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये कौन से कबूतर के अंडे हैं? ये वही कल में जोड़ दिखाई थी ना आपको सबसे। अच्छा अच्छा, कल में जोड़, ये मादी बेटी को भाई। अच्छा भाई, उस तरफ चली गई दोस्तों। और ये बच्चा किसका रखा हुआ है विशाल भाई? ये हमारे सारंगपुरी का बच्चे रखे हुए हैं। अच्छा, ये सारंगपुरी का है, देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, एक बच्चा रखा हुआ है और ये सहारनपुरी कबूतर का है, ये देख सकते हैं दोस्तों। खाली अभी अभी अंडे घेर पे चल रही है जो। अच्छा अच्छा, और इस तरफ क्या है विशाल भाई? ये गोल्डन का अंडे रखे हुए हैं, गोल्डन कबूतर के अंडे रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। इसका भी शौक कराया था आपको? अच्छा अच्छा, इसका भी शौक कराया था। ये सारंगपुरी, इसी का बच्चा है वो, इस जोड़ का मतलब, ये ऊपर भी। हाँ, इसने अंडा नीचे रख लिया अंडे जी, इसका बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग है। अच्छा, ये अलग है, ये अलग है। ये किसका बच्चा है? ये भाई, ये कबूतर है। अच्छा, ये इस जोड़े का है। हाँ। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये बच्चा है। ये कौन सी नस्लों का है? बाजरों में से है। अच्छा, बाजरों में से। और ये यही बच्चा पाल रहा है, उसकी जोड़ का अंडे दौड़ा दिए थे। अच्छा अच्छा, ये उसका ही। बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरफ ये जो अभी बच्चा हमारा लौट के आया है, ये उसकी माँ है और अंडों में बैठी हुई है। अच्छा अच्छा, जो अपना 10 से 15 किलोमीटर दूरी से लौट के आ गया। हाँ, दे दिया था उड़ाने के लिए। अच्छा अच्छा, ये देखें। हाँ। दोस्तों, अच्छा उसी की खास माँ है? हाँ, उसी की माँ है। अच्छा अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं इस तरफ, और ये देखें दोस्तों, ये कौन सा कबूतर है विशाल भाई अपना? ये गजरे कबूतर है, गजरे कबूतर। हाँ, कई मरतबा इसको चितले भी कबूतर बोलते हैं। हाँ, चितले भी बोलते हैं। अच्छा अच्छा, और ये दोनों बच्चे निकाल लिए इन्होंने। ये अपन ने जो गर्दा कबूतर था ना। हाँ, उसके बच्चे हैं। अच्छा उसके। अच्छा, ये बच्चे पाल दिए बस। अच्छा, बच्चे पाल दिए बस। अच्छा अच्छा अच्छा, इनका काम बच्चे पालने का। ये खाली है दोस्तों, ये भी खाली है। और इस तरफ एक बच्चा रखा हुआ है, ये कौन से कबूतरों का है विशाल भाई? ये गर्रा कबूतर है, गोल्डन, उसका बच्चा है। अच्छा अच्छा, ये फीको का है, सफेद बगल में। अच्छा, ये फीके कबूतरों का है। हाँ, ये सफेद, सफेदों का है। अभी नई जोड़ मिला, ये न रहेगा। अच्छा, किधर है ना? अच्छा, ये नर है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। ये नर है दोस्तों, और ब्रीडिंग में मजा आ रहा है दोस्तों देखने में। इस तरफ तो खाली है। हाँ, इसे अंडे इस तरफ दो अंडे रखे, देवबंदियों के अंडे रखे। अच्छा, देवबंदियों के अंडे रखे हुए हैं। और दोस्तों मैं दिखाऊंगा इसमें से, ये बच्चे निकलने वाला है। ये देखें दोस्तों आप लोगों को अगर नजर आ रहा हो, नजर नहीं आ रहा है दोस्तों, और बच्चा जो है जल्दी से जल्दी निकल आएगा, हैच हो रहा है।
और इस तरफ खाली है। हाँ, इस तरफ दो बच्चे किसके रखे? ये सबसे पहले कलदुमी जोड़ दिखाई थी उसके बच्चे, वो बड़ा नर था लंबा। अच्छा पुराने वाले, सबसे पुराने वाले। अच्छा अच्छा उसी के बच्चे हैं। ये देखें, और मतलब अभी तक ये ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से ब्रीडिंग कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ये देखें दोस्तों, और जो एक जो बॉर्डर वाली जोड़ गलती से आ गई थी उसके बच्चे। अच्छा ये गलती वाले हैं, गलती से बच्चे भी हो गए, बच्चे भी हैं और उड़ाए भी, आखिरी बैठे भी उड़ान में। अच्छा अच्छा ये हमारे सत्तार भाई के दर के हैं, झांसी वालों। अच्छा अच्छा सत्तार भाई झांसी वालों के। अच्छा ये पूरा जोड़ ही है उनका? नहीं नर आया था, महादेव अपन ने लगा ली थी। बच्चे बहुत अच्छे उड़ाते हैं, बच्चे अभी निकले। अच्छा बच्चे अभी निकले, इसको मेरे पास 8 साल हो गई है। अच्छा 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 बिल्कुल। ये नर है मादा? ये मादा है। अच्छा और ये क्या है? ये मैंने कबूतर खरीदे थे। अच्छा खरीदे थे आपने? कानपुर से, वो दिल्ली के आगे से आए थे कहीं से। अच्छा, अच्छा, फिरोजपुर कहाँ से आए थे मालिक जाने। जी 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 जी। और इस तरफ भी अंडे रखे हैं। ये वो कलदुमे की जोड़ गई हैं। कलदुमे कौन सी जोड़ गई हैं? ये वो काले पर की दिखाई थी जिसमें ट्रेन निकल रही है। अच्छा, उसी के बाद अंडे रखे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसमें ये वो बसीम के इधर आखिरी कबूतर बैठा था, ये उसी के भी अंडे रखे हुए हैं। रेड आइस के? रेड आइस के। अच्छा ये अभी बच्चे निकले हुए हैं? नहीं अभी अंडे रखे। नहीं नहीं बच्चा निकल आया है। निकल आया? हाँ एक बच्चा निकल आया, इसीलिए जो है इतना ज्यादा ये कबूतर मार रहा है दोस्तों। एक है निकल आया, दूसरा भी निकलने वाला है। और देख सकते हैं दोस्तों ये अच्छा ये इसमें ये इनाम भाई की जोड़ का है। अच्छा इनाम भाई की जोड़ का जी, जो अभी एक्सपायर हो गए। अच्छा अच्छा ये देखें दोस्तों, इसका बच्चा मेरा पहले सबसे पहले रजिस्टर होके बैठा था 4 घंटे कुछ का। बिल्कुल ये अंडे रखे हुए हैं। हाँ ये भी, ये इसके बच्चे बहुत अच्छे उड़ते हैं। अच्छा इस तरह भी किसके? ये भी बॉर्डर वाले के। बॉर्डर वालों के रखे जी। अच्छा। ये सब बॉर्डर वालों के नीचे, ये बच्चे दिखाओ ना आप। अच्छा ये इसमें कौन से बच्चे हैं? ये दो बच्चे अभी बड़े हुए हैं। अच्छा इनकी आप खड़क और देखिए इन्हें। अच्छा अच्छा आपको मजा आएगा देखने में। अच्छा ये दो बच्चे, ये माँ है इनकी। अच्छा ये माँ है इनकी, बाकी भी खड़क और देखिए। और ये इतना छोटा सा बच्चा उड़ गया उस तरह। हाँ उनमें बहुत तेजी है। अच्छा तेजी है इनके अंदर। हाँ ये माँ है और ये देख सकते हैं दोस्तों, और हम नीचे उतारने की कोशिश करेंगे इनको। ये देखें, ये छोटा सा बच्चा है और आप जो है खड़ान देख लें इसकी। ये देखें दोस्तों खड़ान देख लें आप लोग, माशाल्लाह बहुत जबरदस्त खड़ान का ये कबूतर है दोस्तों। बच्चा है छोटा सा बिल्कुल, अभी 20 से 22 दिन का होगा यादव जी। कितने दिन का होगा समथिंग अंदाज से? अब ये पता नहीं मुझे, हाँ इतने दिन का होने चाहिए वैसे तो। कितने दिन का होगा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये किस नई कलदुमी जोड़ मिलाई थी उसके बच्चे? अच्छा ये नई कलदुमी जोड़ ने मिलाई है उसके बच्चे। ये देखें दोस्तों, ठीक है। और जो आपको ये टेडी दिखाई थे वो उसके, ये बच्चे हैं दो। अच्छा जो टेडी कबूतर दिखाई थे वो उसके हैं। अच्छा अच्छा ये देखें दोस्तों आप लोग, माशाल्लाह ये उसके, और मतलब इतने ही। ये कौन सा कबूतर लेके आया? ये अभी हमने भाई को कब बच्चे दिए थे उड़ाने के लिए। अच्छा तो उसका बच्चा वापस आया तो मैंने चलो इसका शोक कराया आपको। अच्छा अच्छा ये हमारे बसीम, हाँ अच्छा ये हमारे बसीम भाई फ्रिज, उनका कबूतर है बसीम भाई फ्रिज वालों के यहाँ। अच्छा ये गोल्डन कबूतर है जी, इसका बच्चा वहाँ से लौट के आ गया, मतलब 10 से 15 किलोमीटर दूर से लौट के आया, बिल्कुल छोटा सा बच्चा। छोटा बच्चा है, आंख जरूर दिखाएं विशाल भाई इसकी। ये देखें दोस्तों आप लोग, ये चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, चेक कर सकते हैं दोस्तों आप लोग। नंबर 1 नर है और इसके परपल्ले का जरूर शौक कराएं। ये देखें दोस्तों ये परपल्ला है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन, और इसके जरा टेल देखें दोस्तों आप लोग। ये देखें इंडियन गोल्डन है ये तो, यहाँ पे इंडियन गोल्डन है बिल्कुल। ये देख सकते हैं दोस्तों, पंजों का शौक जरूर कराएं विशाल भाई इसके, और बहुत ही बेहतरीन इसने पट्टे दोस्तों निकाले हुए हैं, जो इतने इतने दूर से छोटे छोटे पट्टे वापस आ रहे हैं घर अपने, ये बहुत अच्छी बात है। बैठे उठे हुए पट्टे हैं बिल्कुल, और वापस आ गए, वापस आ गए बिल्कुल बिल्कुल, बैठे हुए हैं जी। और मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा जहाँ घर आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। छोड़ दें इसको भी जरा, और इसका बाजू उतर गया है। हाँ इसका बाजू खराब है। अच्छा अच्छा तो दोस्तों कैसे लगे आप लोगों को ब्रीडिंग प्रोग्रेस विशाल भाई के यहाँ की? और विशाल भाई कुछ बोलना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि ब्रीडिंग अच्छा दाना खिलाइए और जितना हो ज़्यादा ध्यान देइए उन पे, और बाकी और चीज़ें पूछना हो ब्रीडिंग के मामले में तो कादर भाई आपके बीच है ही, इनसे जरूर संपर्क करिए। जी जी बच्चे बेहतरीन तंदुरुस्त कूदेंगे बिल्कुल। कादरी भाई दोस्तों, कादर भाई मुंबई वाले नहीं, कादरी भाई जी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।